बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 11th के लॉज ऑफ मोशन के 24th लेक्चर में, और ये लेक्चर आपका लास्ट होने वाला है क्योंकि यहां पर हम लोगों ने अब तक सारे टर्म गति से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है, अगर हम किसी बाल्टी में जल भरकर, द्रव भरकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाएं तो उसमें से जल के न गिरने की शर्त क्या होगी। ठीक है, तो जल से भरी बाल्टी को ऊर्ध्व वृत्त में घुमाने पर द्रव के बाहर न गिरने की शर्त, बाहर न गिरने की शर्त। तो ये बेसिकली आपका एक क्वेश्चन भी है। यहां पे मान लेते हैं कि हमने एक डोरी से, एक जल से भरी बाल्टी को ये बांध करके ये रखे हुए और इसमें पूरा भरा हुआ है द्रव। अब आप इसको घुमाना प्रारंभ करते हो, तो ये आपने घुमाना स्टार्ट किया और ये फिलहाल के लिए माना कि आपका ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये सर्कुलर पाथ को अप्रोच कर रहा है। ठीक, और ये इसका ओरिजिन। तो जब इसको आप बांध करके घुमाने का प्रयास करते हो तो ये तो तय रखो कि आपको पहले यहां से घुमाने के लिए कम से कम आप इसको उस वेग को तो जरूर दोगे जो इसको यहां से उठाया। और शायद आपने पिछला वाला होमवर्क अगर कर लिया होगा तो याद होगा आपको, यहां से उठाने के लिए कम से कम अगर इस डोरी की लंबाई L है और इसे अगर उठाना चाहते हो तो इतना उसको वेग देना होगा कि यह √5gL हो कम से कम। अब फिर इससे ज्यादा देंगे तो ये उठेगा। चलिए, उठते हुए ये भिन्न भिन्न पथों से होकर के जाएगा। एक पथ ये होगा और मुझे जिसके बारे में बात करनी है ये है वो टॉप ऑफ द मोस्ट पॉइंट। ठीक, जिसमें आपकी बाल्टी सबसे उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है। ठीक, यहां पर इसका नाम ए और यहां पर आप इसका नाम सी दे सकते थे। अगर हम ये चाहते हैं कि ये द्रव जो इसमें भरा हुआ है वो द्रव बाहर न गिरे, तो इसका मतलब कि उच्चतम बिंदु पर इसका वेग जो है वो हमें कितना रखना होता है। तो आपको याद होगा कि ऊर्ध्वाधर वृत्त कंप्लीट करने के लिए हमें अंडर रूट जी एल की वैल्यू चाहिए थी। फिलहाल आपको थोड़ा याद हो तो इसमें जो द्रव भरा हुआ है वो इस वृत्तीय फ्रेम का हिस्सा नहीं है, वो इस पर चिपका तो है नहीं, वो बस इसमें भरा गया। इसका मतलब ये द्रव इस वृत्तीय या निर्देश तंत्र का हिस्सा नहीं है, निर्देश तंत्र में बस है, चिपका नहीं है, इसका हिस्सा तो है नहीं। ऐसे केस में आपको पता होगा कि जब कोई कण किसी वृत्तीय तंत्र का हिस्सा न हो और वृत्तीय पथ पर गतिमान है फिलहाल, तो उसी टाइम पर उस पदार्थ पर बाहर की ओर एक बल कार्य करता है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये बाहर की ओर एक बल कार्य करेगा और ये बाहर की ओर जो बल काम करेगा ये होगा mv² / L। ठीक, मान सकते हैं। L कहां से आया? ये डोरी की लंबाई। और याद रखिएगा तनाव जो है वो कहां काम करता है? नीचे। और ये फिलहाल के लिए जब ऊपर की ओर होगा तो एट द सेम टाइम में बात करूं तो इस द्रव पर नीचे की ओर क्या काम कर रहा होगा? एट द सेम टाइम यहां पर नीचे की ओर काम कर रहा होगा mg। बात समझिएगा, नीचे की ओर काम कर रहा है mg और ऊपर की ओर काम कर रहा है mv² / R। ओके, तो अगर हम चाहते हैं कि ये द्रव बाहर न गिरे तो ऐसे केस में उच्चतम बिंदु पर जो कि A है, अभिकेंद्र बल बाल्टी पर तथा द्रव पर
अपकेंद्र बल कार्य करेगा, कार्य करेगा अर्थात द्रव के बाहर की ओर, द्रव के बाहर की ओर तली पर एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एल कार्यरत होगा, जबकि द्रव का भार, भार क्या mg नीचे की ओर, नीचे की ओर कार्य करेगा। ऐसे केस में आप क्या बोल सकते हैं कि इसे हम कितना वेग प्रोवाइड कर दें कि ये व्यक्ति तल पर बिना गिरे घूम जाए। तो ऐसे केस में जब भी होना चाहिए अपकेंद्र बल अधिक होगा किससे, mg से, तभी तो ये द्रव जो है तली के ऊपर चिपका रह पाएगा, वो भी किससे, परिणामी बल से, या कम से कम भी हो तो mv स्क्वायर अपॉन l जो है वो mg की बराबरी कर ले। इसका मतलब ये है कि वो शर्त ये होनी चाहिए कि mv स्क्वायर अपॉन l की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, या तो बड़ी हो या तो बराबर हो किसके, ऑफकोर्स द्रव के भार के। तो द्रव का भार mg, ऐसे केस में आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि m तो कैंसिल हो जाएगा, ओके, और यहां से आपकी जो v स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको gl, ठीक। और सिमिलरली आप इसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट में gl। याद आया, यही केस हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि अगर हम चाहते हैं कि द्रव नीचे की ओर ना गिरे, इसके लिए जरूरी है कि उच्चतम बिंदु पर इस सिस्टम का, मतलब कि बाल्टी का वेग gl, रूट gl से क्या हो, अधिक हो या तो बराबर हो जाए। बात समझ आए, यही वो शर्त होगी उच्चतम बिंदु पर द्रव के बाहर न गिरने की। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे जो कि एनसीईआरटी के होंगे, आइए देखते हैं फटाफट से। तो देखते हैं कि हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कहता है ये क्वेश्चन। एल लंबाई के एक डोरी का एक सिरा एम द्रव्यमान के किसी कण द्वारा तथा दूसरा सिरा चिकनी क्षैतिज मेज पर लगी खूंटी से बंधा हुआ है, यदि यह वी चाल से वृत्त में गति करता है तो कण पर नेट बल क्या है। बात समझिए, यहाँ पर मान लीजिए खूंटी है और इस खूंटी से यहाँ पर चिकनी क्षैतिज मेज पर ये कुछ इस तरीके से घूम रहा है, ठीक, इस तरीके से। इसकी लंबाई जो है वो एल है और ये सेंटर हो गया और ये एम द्रव्यमान का कोई क्या है, पिंड हो गया, एक सिरे से बंधा है और ये घूम रहा है। आपको पता है कि घूमने के लिए जरूरी है कि अंदर की ओर क्या लगता रहे, एक कोई आवश्यक बल लगता रहे, क्योंकि डोरी से बांध के घुमा रहे हैं तो ये तय हुआ कि यहाँ पर डोरी पर तनाव काम कर रहा होगा। और आपको भली भांति याद होगा कि अगर ये बीच से घूम रहा है तो इसको घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए, और ये आवश्यक अभिकेंद्र बल कोई और नहीं, कौन देता है, उसी कारक से वो उत्पन्न होता है जो कि इस समय इसको घुमाने का प्रयास कर रहा था। ऐसे घुमाने के लिए क्या चाहिए, तनाव। तो बिना तनाव के, अगर तनाव हटा दिया जाए तो बिना तनाव के इसे घुमाना संभव नहीं, तो तनाव ही इसे घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल देता है। इसका मतलब कि विदाउट एनी टेंशन ये घूम ही नहीं सकता। तो कण पर केवल एक ही इंपॉर्टेंट फोर्स काम कर रहा है जो इसे आवश्यक अभिकेंद्र बल दे रहा है, वो कोई और नहीं, तनाव है। तो इसका मतलब इस पर नेट बल कितना होगा, केवल तनाव ही होगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पे आंसर लिखने वाले हैं कि टी, टी इसका सही विकल्प होगा, क्योंकि कण पर यह तनाव इसे आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, अभिकेंद्र बल
प्रदान करता है। बात समझ आई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 भी है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 किलोग्राम संगति के किसी पिंड पर आरोपित कोई बल है जो कि 25 सेकंड के अंदर में किसी पिंड की चाल 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 3.5 मीटर पर सेकंड तक कर देता है। तो बताना यह है कि इस पर कोई बल लगा होगा क्योंकि वेग में परिवर्तन हुआ है, तो इस बल की दिशा कैसी होगी ये बताना, उसकी दिशा भी बतानी है। तो बल कितना है उसको निकालने के लिए पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि इसका m कितना है, और m है 3 kg। पहले वस्तु चल रही थी किसी वेग से जिसे हम प्रारंभिक वेग कह सकते हैं या प्रारंभिक चाल कह सकते हैं, वो है 2 मीटर पर सेकंड। इसका नया जो चाल है वो है 3.5 मीटर पर सेकंड, और ये सारी चीजें कितने समय में हुई है, 25 सेकंड में हो रही है। तो यहां पर मेरे पास कोई पिंड था जो कि अभी फिलहाल के लिए कितने से चल रहा था, 2 मीटर पर सेकंड से। इस पर कोई बाह्य बल लगा होगा जिससे इसका वेग अब यहाँ पर क्या हो गया, 3.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इस सब में कितना समय लगा, 25 सेकंड लगा, ठीक। तो बताना यह है कि यह बल कितना है, आइए चेक करते हैं। तो आपको शायद याद हो कि बल बराबर होता है संवेग परिवर्तन की समय दर। तो संवेग परिवर्तन बटे में समय दर, ठीक। संवेग परिवर्तन के समय दर को समयांतराल यहां पे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू यहां पे आप लिखेंगे कितना, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी यहां पर, और यहां आप लिख सकते हो एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ठीक। समय आपको पता ही है, तो यहाँ आपने लिखा m कॉमन v माइनस यू अपॉन टी, लीजिए m कॉमन निकाल लिया, f इज इक्वल टू हो जाएगा m की वैल्यू, और m की वैल्यू कितनी है, 3 है, और यहाँ पर आपकी वैल्यू 3.5, यहाँ आपकी 2 और नीचे 25, इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो हो जाएगा 3.5 में से 2 सब्सट्रैक्ट हुआ 1.5, और नीचे आपने लिखा 25, मल्टीप्लाई किया इसे तो ये कितना आ जाएगा, 4.5 अपॉन 25, ओके। अब चाहे तो इसे शिफ्ट कर सकते हैं, तो शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, ये होने वाला है आपका 45 अपॉन 250। फटाफट से आप इसको चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं किसके, 5 के टेबल से, तो 5 9, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50, ठीक। और डिवाइड कर लिया आपने इसको, और आपकी वैल्यू जो है वो यहां से डिवाइड करके आ जाएगी, और फिर इसको 0.18 न्यूटन लिखा जा सकता है। तो ये आ गया आपका फोर्स। अब इसकी दिशा अगर आपसे पूछी जाए तो कैसी होगी इसकी दिशा, क्योंकि परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतानी है, तो इसकी जो दिशा होगी वो वही होगी जो कि संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन अगर पूर्व में हुआ है तो बल की जो दिशा होगी वो संवेग परिवर्तन की दिशा होगी। तो यहाँ पे बल की दिशा, बल की दिशा संवेग परिवर्तन की दिशा होगी, ठीक है, बात क्लियर है। नेक्स्ट पर अब यह क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, 20,000 किलोग्राम उत्थापन संगति के किसी रॉकेट में 5 मीटर प्रति सेकंड का आरंभिक त्वरण के साथ ऊपर की ओर विस्फोट किया जाता है, विस्फोट का प्रणोद बल क्या होगा। देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जस्ट हमारे पास एक रॉकेट है, और ये रॉकेट जो है फिलहाल ऊपर की ओर आरंभिक त्वरण से चलता है, वो आरंभिक त्वरण कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका जो मास है वो मास दिया हुआ है 20,000 kg, क्लियर। और इतना ध्यान रखिएगा कि अगर इस रॉकेट को ऊपर भेजना है तो रॉकेट कहीं भी हो, अर्थ पर ही है, तो नीचे की ओर एमजी जरूर लगेगा। अगर ये ऊपर की ओर इतने त्वरण से जा रहा है तो पूछा यह गया है कि कुल कितना मैंने बल लगाया होगा इसे ऊपर ले जाने के लिए, यह उत्थापक बल या फिर कह सकते हैं
प्रणोद बल। तो इसे उठाने के लिए हमें कितना बल लगाना होगा, अगर ये उठता कितने बल से है, उठता है आपके 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, कौन, 20,000 किलोग्राम का कोई रॉकेट। आइए फटाफट से समझने की कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन का सिंपल सा फैक्टर है, पहले ये डिसाइड करेंगे कि मान लेते हैं कि हमने इसे टोटल कितना फोर्स लगा करके उठाया होगा, कैपिटल एफ बल। तो माना रॉकेट पर प्रणोद बल एफ कार्यरत है, अतः इस पर परिणामी बल आप कैसे निकालेंगे। देखिए परिणामी बल निकालने के लिए ऊपर की ओर जो है फोर्स वो है कैपिटल एफ, और नीचे की ओर इसका विरोध करने वाला कौन है, ऑफ कोर्स एमजी। तो ये विरोध कर रहा है, फिर भी रॉकेट कहां जा रहा है, ऊपर की ओर। तो यहां पे आप लिखेंगे एफ नेट परिणामी बल, और ये परिणामी बल जिससे ऊपर उठ रहा था, कौन उठ रहा था, ये रॉकेट, इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान है एम, और किस तरह से उठ रहा है, ये उठ रहा है इससे, इसको एफ नेट कहते हैं बच्चों। तो टोटल बल एम जी जो कि नीचे की ओर कार्यरत होगा, इसको डिनाई करते हुए फिर भी नेट बल से ऊपर उठ रहा है। तो यहां से अगर एफ निकालना होगा तो आप क्या लिखेंगे, एफ ए प्लस एम जी लिख दीजिएगा। ओके, अब यहां से यही आप फोर्स निकालना चाह रहे थे तो एम को कर लीजिए कॉमन, और ए जो कि है आपका, और जी जो है वो है आपका यहां पर ए प्लस जी के फॉर्म में। एम की वैल्यू 20,000 और ए की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 10, कर लीजिए इसको ऐड और इससे कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 15 × 2, ये हो जाएगा 30, और ये आपका 40 एक्स्ट्रा। तो ये इतने बल से मतलब हम कह सकते हैं कि 3 × 10⁻¹ मतलब 3 × 10⁵ न्यूटन के फोर्स से हमने इसे प्रणोद दिया होगा, जिससे रॉकेट ऊपर 5 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के त्वरण से उठ रहा है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ये पूरा चैप्टर हम इसे खत्म करते हैं, मतलब एंड ऑफ डिक्लेयर करते हैं इसका, और आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। दिस इज वर्क पावर एनर्जी, खत्म करिए खुद से और लगाइए, जो प्रॉब्लम है उसे शेयर करिए, तब तक के अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।